Yeah, good afternoon. This is the continuation video of ELLIPSE. Exercise 11.3 NCERT. We have to discuss four questions in it. Yes, sir. 16 also. 17, 18, 19, 20. Okay. So, Chaitanya, can you please read question number 17 for me? Focal. प्लस माइनस 3, 0 ए इज इक्वल टू 4। तो बेटा इलिप्स की हमें इक्वेशन बतानी है। फोका है प्लस माइनस 3, 0 और ए क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। पहले मैं चेतन ने आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, राइट? क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 17th, याद रखना। फोका है क्या दिया हुआ था इसमें? प्लस माइनस 3, 0 और कुछ दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू 4। A is equal to 4 दिया हुआ, ठीक है? वो पेज दे दीजिए मुझे। अगर आप उस पेज को देखेंगे क्लास, तो ये फोका है प्लस माइनस 3 दिया हुआ है, और लेकिन आपको पता होना चाहिए या तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, या होते हैं प्लस माइनस सी, क्या होता है फर्दर ए ई होता है, ठीक है? मेजर एक्सिस गेस कर सकते हैं चेतन ने इसमें कौन सी है? अरे एक्स एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है? तो मेजर एक्सिस जो है इसमें क्या है? एक्स एक्सिस है। आई रिपीट, मतलब इसका जो पैराबोला होगा चेतन ने, मैं एक फिगर आपको बना देता हूँ, वो ये वाला होगा, पहले वाला, राइट? ये ध्यान रखना, ठीक है? तो यहां से देख लीजिए, सी हमारा कितना आ गया? अब 3 आ गया, ओके। और ए हमें कितना दिया हुआ था चेतन ने? 4। बी हमें निकालना है, ऑब्वियसली बी जो है वो यहाँ पर ए से तो छोटा ही होगा, तो यानी कि बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए है हमारा 4 और सी आया 3, तो बी स्क्वायर कितना आ गया? 16 माइनस 9 यानी कि 7 आ गया। इक्वेशन अब तक तो आपने सोच ही ली होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू है 1। ए की जगह बताइए, 16, ए की जगह 4 का स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 7 आई थी, तो फाइनल आंसर है चेतन ने एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 7 इक्वल टू में 1, याद रखना, ओके। नेक्स्ट मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ें। सेंटर एक्स 0, 0 मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, 2 एंड में B जो है वो 3 दिया हुआ है, C जो है वो 4 दिया हुआ है, सेंटर इसका ओरिजिन पर है और आपको क्या निकालना है? फोकाय जो है इसका x एक्सिस पर है। सबसे पहले मैं चाहूंगा चेतन ने आप मुझे इक्वेशन बताएं कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाली लग रही है आपको, मतलब मेजर एक्सिस x एक्सिस लग रही है या वो लग रही है आपको y वाली? कुछ हिंट इसमें छुपा होगा। B 3 है, C 4 है, सेंटर ओरिजिन पर है और फोकाय एक्स एक्सिस पर है, तो मेजर एक्सिस कौन सी हो गई? फोकाय एक्स एक्सिस हो गई, राइट? पहले मैं आपको क्वेश्चन का डेटा एक बार लिख के बताता हूँ, जरा बुक दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर है ये 18, पहले जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है वो मैं लिख देता हूँ आपके लिए। बी हमारा कितना दिया हुआ है? 3। सी दिया 4 और जो सेंटर है वो उसके कोऑर्डिनेट है ओरिजिन पे, तो 0, 0 है, ठीक है? और फोकाय किस पर है? फोकाय इज ऑन द एक्स एक्सिस। तो बेटा फोकाय अगर एक्स एक्सिस पे है चेतन ने, तो इसका ये मतलब है सीधा सीधा कि मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, राइट? आई रिपीट, मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, मतलब जो पैराबोला है ना वो अपना ऐसे वाला, पहले वाला, ठीक है, जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, वर्टिकल वाला नहीं है, राइट? तो इक्वेशन में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इलिप्स की क्या होगी। पहले केस में आप बताइए इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो अब बस ए हमारा अननोन है तो ए निकाल लेते हैं। आपको पता ही है इस केस में ए बेटा सबसे बड़ा होता है ना, ठीक है ना? तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। बी कितना है? 3 और सी कितना है? 4, तो ये आ गया 9 प्लस 16 यानी कि कितना आ गया? ये 25, तो ए स्क्वायर कितना आ गया? 25, तो सीधा ए स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ इसमें, ठीक है?
ए वैसे 5 आ जाएगा अगर जानना भी हो, राइट। तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई 18 क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। दोनों पे टिक लगा लीजिए और 19 क्वेश्चन में चाहूंगा आप रीड करें। सेंटर एट 0,0 मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। सेंटर इसका 0,0 पर है और जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है और पास कर रहा है 3,2 और 1,6 में से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपको मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 19। ध्यान से देखिए, सेंटर तो वही मतलब 0,0 पर ही है, ठीक है। मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पर है इस बार, मतलब दूसरा वाला होगा, राइट। मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है और इसके अलावा पास कर रहा है एक बार आपका इलिप्स 3,2 में से और एक बार 1,6 में से, ठीक है। तो सबसे पहले चेतन ने, मैं गेस कर रहा हूं इसकी इक्वेशन, तो इक्वेशन इलिप्स की क्या मानूंगा, एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर बाय अपॉन बी बी स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 1। और एक बात और बता दूं कि यहां पर जो ए है वो लेस देन बी है, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं थी, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। अब बेटा देखो, ये मेन इक्वेशन है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब 3,2 इसमें से 3,2 और 1,6 इस पे लाई कर रहे थे, तो ये 3,2 लिखा था मैंने, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोई पॉइंट है वो 3,2 लाई कर रहा है किस पे, ऑन द गिवन एलिप्स। इसका मतलब क्या है, इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। मतलब आप एक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह पे 2 पुट करेंगे, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और वाई की जगह 2 स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। ऐसे ही चेतन ने एक और पॉइंट था अगर आपको याद हो, दूसरे पॉइंट में अगर आपको ध्यान हो, चेतन ने दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 1,6। 1,6 भी जो था वो लाई कर रहा था किस पर, गिवन एलिप्स पे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके पॉइंट है ये एक्स कॉमा वाई और 1,6 लाई कर रहा है गिवन इलिप्स पे, मतलब एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 6 किस में पुट कर रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 में, वेरी राइट। अब मैं यहाँ राइट साइड पे कर रहा हूँ, एक्स की जगह 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई की जगह 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2, नहीं सॉरी, इसे थोड़ा सा सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस 36 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1। इसे नंबर 3 दे दो। अब इक्वेशन 2 और 3 को चेतन ने हमें इक्वेट करना है और यू नो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देख बेटा, इसका कॉफिशियंट 9 बाय ए स्क्वायर में 9 है और यहाँ पर 1 बाय ए स्क्वायर में 1 है। तो इक्वेशन 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दे और इक्वेशन 3 की 9 से कर दे। इक्वेशन नंबर जो 2 है उसे तो आप एज इट इज लिख देंगे, 9 बाय ए स्क्वायर प्लस 4 बाय बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 में कोई चेंज नहीं होगा, पर ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, वो क्या बन जाएगी, इट बिकम्स, वो बन जाएगी 9 बाय ए स्क्वायर प्लस 36। 9 दा करिए, एक सेकेंड रुकिए। देखो मैं क्या, ये मेथड ऑफ इक्वेटिंग कॉफिशियंट होता है चेतन ने, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 36 9 आप करोगे ना, 324 आ जाएगा। और भी मेथड हो सकते हैं इसे सॉल्व करने पर ये मेथड सबसे आसान है। इसे मेथड ऑफ इक्वेटिंग कॉफिशियंट भी कहते हैं, क्लास 10th में आपने किया है, और इसे हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी कहते हैं, राइट। मेथड ऑफ इक्वेटिंग कॉफिशियंट भी कहते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी कहते हैं, राइट। तो मैं यहां करूंगा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा,
हाँ एक सेकेंड, ओके। अब यहां पर 9 बाय ए स्क्वायर से 9 बाय ए स्क्वायर मैं कट कर दूंगा, ये हो जाएगा 4 बाय p² - 324 बाय b² सॉल्व करो, और ये राइट साइड पे कितना हो गया, 1 - 9 - 8 हो गया, ये आ गया 4 - 324, तो 4 - 324 चेतन ने आ गया -320/b² = -8। माइनस से माइनस काट दे बेटा, 8 से 1 कट जाएगा डायरेक्टली है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो बी स्क्वायर कितना आ गया, बी स्क्वायर आ गया 40। अब ये बी स्क्वायर की वैल्यू आप उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, ठीक है, यही कर रहा हूं है, पुट वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहा हूं, वो था 9 बाय ए स्क्वायर + 4/b² था, बी स्क्वायर की जगह आ गया 40 इक्वल टू में है 1, ये देख बेटा ये काट दे 1 दा, ये 10 दा, तो ये आ जाएगा 9 बाय ए स्क्वायर = 1 - 1/10। थोड़ा सा डायरेक्ट स्पेस कम है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 - 1/10 को सॉल्व करेगा तो 9 बाय 10 आ जाएगा, 9 से 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, फिर a² 10 आ जाएगा, मतलब a² आ गया हमारा 10 और b² आ गया हमारा 40। आई रिपीट, a² आ गया 10 और b² आ गया 40, ठीक है ना, क्योंकि बेटा मैं उसी हिसाब से ही कर रहा हूँ ये, ठीक है ना, अपने मेथड के हिसाब से, याद रखियो a² आया 10, नोट कर ले मेन, a² आया 10 और b² आया 40। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, राइट, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी चेतन ने, x² / a² + y² / b² = 1, और यहाँ पे a क्या था, लेस देन b था, अब बताओ a² क्या आया, 10 और b² 40, यानी कि फाइनल आंसर होगा x² / 10, ये 10 लिखा है मैंने, है मैं फिर से लिख देता हूँ, फाइनल आंसर है x² / 10 + y² / 40 = 1, याद रखना, ठीक है। तो ये था क्लास क्वेश्चन नंबर 19, तो और अब आज का क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेते हैं। मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,3 and 6,2। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, मेजर एक्सिस है इस बार एक्स एक्सिस, एक बार मैं, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 20th क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 20th ऑफ एक्सरसाइज 11.3 सेज मेजर एक्सिस जो है इस बार हमारी एक्स एक्सिस है। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, और इक्वेशन जो है वो पास किस में से कर रही है, पासिंग थ्रू 4,3 और 6,2 में से पास कर रही है, ठीक है। मेजर एक्सिस बेटा एक्स एक्सिस है, तो लेट करेंगे, लेट द इक्वेशन बी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी, इलिप्स की जो इक्वेशन है चेतन ने, वो हम मान रहे हैं x² / a² + y² / b² = 1, याद रख यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो बेटा। अब मैं डायरेक्ट मीनिंग लिख रहा हूँ, पहली इक्वेशन जो है वो पास किस में से कर रही है, 4,3 में से, मतलब x की जगह 4 और y की जगह 3 पुट करेंगे आप किस में, इक्वेशन नंबर 1 में, x की जगह 4, तो ये हो जाएगा 4² यानी कि ये हो गया 16, राइट, और y की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9/b² = 1, ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी। सिमिलरली जो दूसरी थी वो किस में से पास कर रही थी, 6,2 में से, x, y है, ठीक है, तो आप x की जगह 6 और y की जगह 2 पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया 36/a² और y की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4/b² = 1, इसे नंबर दे दीजिए 3। अब बेटा देख ये 16 है, ये 36 है, ये तो, और ये 9 है, 4 है, ये ज्यादा आसान रहेगा, बी स्क्वायर के इक्वेट करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दे 4 से इक्वेशन 2 की, और इसकी कर दे 9 से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 64/a² + 36
बाय बी स्क्वायर इक्वल टू में 4, इक्वेशन 4 बन जाएगी। और इक्वेशन नंबर 3 चेंज होके बन जाएगी 36 इनटू 9, 324 आया था चेतन ने? यस पक्का? यस 324 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये हो गया 94 द 36 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये 9 है, ये चेंज होके बन गई। साइन चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस 324, माइनस कर लो पहले, तो ये आ गया माइनस 260 अपॉन ए स्क्वायर 4 माइनस 9 माइनस 5 आ जाएगा। माइनस से माइनस काट दो, 5 वन द 5, 5 द 25, 1 0 5 2, तो यहां से ए स्क्वायर कितना आ गया, 52 आ गया, राइट? ए स्क्वायर हमारा आ गया 52। अब ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू है आप सेकंड या थर्ड में से किसी में भी डाल दो, राइट? पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दी, ये हो गया 16 अपॉन ए स्क्वायर था 16 अपॉन 52 प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू में 1, ठीक है? तो बच्चे इसे सॉल्व करो, ये 16 अपॉन 52 को इधर ले जा, तो ये आ गया 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे एक काम कर चेतन ने, पहले 4 4 द 16, 4 13 द कर ले, तो ये 1 माइनस 4 बाय 13 हो गया, एलसीएम आ गया 13, ये आ गया 13 माइनस 4 यानी कि 9 बाय 13 आ गया। ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी स्क्वायर कितना आ गया, 13 आ गया, राइट? बी स्क्वायर हमारे पास है, ए स्क्वायर हमारे पास है, दोनों की वैल्यू किस में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या आया 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 13 इक्वल टू में 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्लास ये हमारी वीडियोग्राफी एक्सरसाइज 11.3 की कंप्लीट हुई, थैंक यू।